स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सिविल पांडा। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई लिखाई गोला बारी धुआ धार चल रही होगी। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग वापस से जुड़ चुके हैं, मतलब आप लोगों को पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा है और साथ ही साथ करंट अफेयर जो कि भाई आपकी एग्जाम में भर भर के पूछा जाने वाला है, आपको उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। और भाई एमपी का करंट अफेयर जो कि सिर्फ आप इंग्लिश मीडियम के लिए सिविल पांडा ही पढ़ा रहा है, तो फिर आपको तो जुड़ना तय बनता है मेरे भाई, है ना। तो फटाक से आप लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ वापस से, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी सिविल पांडा की वर्ड सीरीज का 33 लेक्चर, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वापस से 20 क्वेश्चंस को। इन 20 क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चन हमारे होने वाले करंट अफेयर से रिलेटेड, एज वेल एज हमारे 10 क्वेश्चन होने वाले हैं भाई एमपी के जीके जीएस से रिलेटेड, राइट। सो लेट्स स्टार्ट बिना देरी के, चलेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा आज का, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एशियाज बिगेस्ट क्लाइंबिंग वॉल has been built recently। भाई एमपी की किस जगह पर जो है सबसे बड़ी क्लाइंबिंग वॉल तैयार की गई है, एशिया की सबसे बड़ी क्लाइंबिंग वॉल तैयार की गई है। चलो मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, ये जो है एक ट्राइबल एरिया है, है ना, और इस जगह पे ही, इस ट्राइबल एरिया में ही एक वो गांव भी है। कौन सा गांव है? जिसे जो है मिनी ब्राजील कहा जाता है, है ना, मिनी ब्राजील कहा जाता है। और वो क्यों कहा जाता है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ पहले, क्योंकि ट्राइबल एरिया में जो कुछ लोग थे वहां से फुटबॉलर्स काफी निकले हैं, है ना। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं कौन से एरिया की बात कर रही हूँ। जी हाँ बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ कहाँ की, शहडोल की। कहाँ की बात कर रही हूँ भाई मैं? शहडोल की, जी हाँ। तो क्लाइंबिंग वॉल सबसे ज्यादा कहाँ पर तैयार की गई है? यहाँ पर तैयार की गई है। यदि मैं आपको बता दूं तो ये बात शेड्यूल में, मैम शेड्यूल में ही क्यों की गई है? आप जानते हैं शेड्यूल में जो है आपका ट्राइबल एरिया है ना, ट्राइबल बच्चे बहुत ज्यादा है और यहाँ पर जो है इस स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए जो है ये बनाई गई है। गवर्नमेंट भी ऐसा मानती है कि जो ट्राइबल एरिया के बच्चे होते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टेट गवर्नमेंट बिलीव्स दैट द मसल्स एंड फिजिकल कैपेसिटी ऑफ ट्राइबल यूथ इज मोर इफेक्टिव, है ना, कि भाई जो ट्राइबल के बच्चे होते हैं ट्राइबल एरियाज के, उनके जो है पैर और हाथ और मसल्स बहुत ज्यादा क्या होते हैं, मजबूत होते हैं एज कम्पेयर टू शहरी जो लोग होते हैं, अर्बन एरिया के जो लोग होते हैं उनके, है ना भाई। आपको पता होगा ट्राइबल बच्चे तो दिन रात मेहनत करते हैं अपने कड़ी धूप में, है ना, और उनको जरा सा फर्क भी नहीं पड़ता, उनके हाथ पैर काफी मजबूत होते हैं, है ना। वही जो कुछ होते पप्स टाइप, है ना, जो भाई बाहर रहते समझ गए होंगे आप, कुछ इस टाइप के बच्चे है ना, कि चुपती चलती गर्मी का मौसम आया तो बिल्कुल एकदम लाल पड़ जाते हैं इस टाइप से, है ना। लेकिन ट्राइबल के बच्चे देसी देसी ना बोले अगर छोड़ ही रहे, है ना, इस देसी की फैन ये दुनिया हो रही वाला काम रहता है। तो ये चीज भाई गवर्नमेंट भी मानती है, ट्राइबल चिल्ड्रन हैव मोर स्किल इन क्लाइंबिंग एंड डिसेंडिंग माउंटेन्स देन अर्बन चिल्ड्रन, की भाई इनके पास ज्यादा स्किल होती है चढ़ने उतरने की एज कम्पेयर टू अर्बन चिल्ड्रन, राइट। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Recently, in which state मेहरबैंड गुरुकुल will be established? भाई मेहरबैंड जो है कहाँ पर, इस किस स्टेट में जो है बनाया जा रहा है? मेहरबैंड के बारे में मैंने आपको पहले बताया, किससे रिलेटेड है भाई? ये है साहब उस्ताद अलाउद्दीन खां जी से जो है ये रिलेटेड है, एज वेल एज अलाउद्दीन खां जी से, खां जी की जो है 150 बंदिशें जो है, हाँ, 150 बंदिशें जो हैं, जो रेयर बंदिशें हैं उनकी, वो यहाँ पर जो है सिखाई जाएंगी। और ये कहाँ पर बनने वाला है तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका मध्य प्रदेश एमपी में ही ये बनने वाला है। चलेगा नेक्स्ट, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग और देख लेते हैं क्या है। कल्चर टूरिज्म एंड रिलीजियस ट्रस्ट एंड रिलीजियस मिनिस्टर श्री उषा ठाकुर जी, कौन है भैया हमारे यहाँ की जो है मिनिस्टर, कौन है रिलीजन मिनिस्टर? सुश्री उषा ठाकुर जी इन्फॉर्म दैट मेहरबैंड ए 100 ईयर ओल्ड म्यूजिकल हेरिटेज विल बी रिवाइव्ड मध्य प्रदेश। ओके, मेहरबैंड विल बी ऑपरेटेड एज मेहरबैंड गुरुकुल, क्या कहा जाएगा इसे? मेहरबैंड गुरुकुल कहा जाएगा, बेस्ड ऑन गुरु शिष्य परंपरा। किस पे बेस्ड रहेगा? गुरु शिष्य परंपरा पे, बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब से 150 रेयर बंदिशेज विल बी ट्रेंड इन गुरुकुल, यही मैंने आपको अभी बताया है। चलिए, टाइग्रेस जमुना हैज गिवन बर्थ टू 2-3 कब्स इन कमला नेहरू जूलॉजिकल म्यूजियम जू लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ द स्टेट। भाई जो है एक प्यारी सी बाघिन है जिसका नाम है जमुना, उसने अभी अभी जो है 3 शावकों को, कब्स का मतलब क्या होता है बेटा? शावक होते हैं ना, जो शेर के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको जन्म दिया है। ये पूछा जा रहा है आपसे कि ये कौन से जो है कमला नेहरू पार्क में जो है ये दिया है, जूलॉजिकल पार्क है, मतलब सीधी सी बात है चिड़ियाघर है। और ये कहाँ पर स्टेट है, कौन स्टेट के कौन से जिले में है, कहाँ पर है, ये आपसे पूछा रहा है। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कमला नेहरू जूलॉजिकल पार्क की, सबसे पहले भाई जमुना की बात कर तो एक बंगाली टाइगर है, बंगाल से जो है इसे लाया गया था, पता होगा बंगाली टाइगर के लिए ये पार्क जो है बहुत ज्यादा फेमस भी है। यदि मैं आपसे बात करूं तो इसे 1974 में जो है
बनाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था कब, 1974 में जो इसे एस्टेब्लिश किया गया था। और ये 2017 में कब बेटा, 2017 में इंडिया का फर्स्ट स्मार्ट जू बना था, 2017 में ये बना था इंडिया का फर्स्ट स्मार्ट जू बना था। कहाँ का बना था भैया, ये पूरे इंडिया का फर्स्ट स्मार्ट जू बना था ये, है ना। तो आप जानते ही होंगे ये कहाँ पर है, तो ये भैया इंदौर में है, हमारे प्यारे इंदौर में ही है। जी हाँ बिल्कुल, जो है नौलखा के जस्ट पीछे वाली साइड पर आपने देखा होगा 100% ज्यादा बच्चों ने। और एक बात और याद रखना, यही जो है लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क है ऑफ द स्टेट, ये दिखा है कि नहीं, ये भी बात भी याद रखना, लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क ऑफ द स्टेट भी है, ये लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क ऑफ द स्टेट भी है। 2017 में सबसे पहला स्मार्ट जू बना था, एज वेल एज इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1974 में हुआ था। चलेगा, ये बात हमने कर ली है। सिटी ऑफ द स्टेट विल बी डेवलप्ड एक्सपोर्ट सिटी, राज्य के किस शहर को एक्सपोर्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, जबलपुर, इंदौर, भोपाल या ग्वालियर, एक्सपोर्ट सिटी के रूप में जो है विकसित किया जाएगा। देखिए एक्सपोर्ट सिटी किसे कहा जाता है, एक्सपोर्ट सिटी बनाया किसे जाता है, एक्सपोर्ट सिटी बनाया जाता है ऐसे टाउन्स को जो लगभग 750 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है एक्सपोर्ट करते हैं या गुड्स को जो है प्रोडक्ट करते हैं हर साल, है ना, 750 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है गुड्स को प्रोडक्ट करते हैं हर साल, ठीक है, चलेगा, है ना। तो भाई एक्सपोर्ट सिटी क्या होती है, 750, एक्सपोर्ट मतलब जानते हैं आप भाई, निर्यात बाहर निकालना चीजों को, है ना, एक्सपोर्ट करना चीजों को। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई सबसे बड़ी एक्सपोर्ट सिटी जो है कौन सी बनने वाला है, सिटी भाई स्टेट की पहली कौन सी बनने वाली है, तो आप जानते हैं भाई इंदौर बनने वाला है, मतलब इंदौर का जो है क्या होने वाला है, 750 करोड़ से ज्यादा प्रोडक्शन जो है होने वाला है ईयरली में। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई सबसे बड़ी जो है सबसे बड़ा जो है पूरे हमारे कंट्री में कौन सा है जो एक्सपोर्ट सिटी है, सबसे बड़ी एक्सपोर्ट सिटी कौन सी, तो ध्यान रखिएगा जामनगर, है ना, जामनगर जो है वो हमारे पूरे इंडिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट सिटी है। कौन है भैया, जामनगर जो है हमारे इंडिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट सिटी है। ओके चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ये तो बात हम लोगों ने कर ली है, चलेगा। From which place has Chief Minister Shivraj Singh Chauhan started the Chief Minister Scooty Scheme? मध्य प्रदेश के जो शिवराज सिंह चौहान जी है मुख्यमंत्री, उन्होंने स्कूटी योजना की शुरुआत किस स्थान से की भाई, शहडोल, रीवा, सिंगरौली या बालाघाट, बताइए। स्कूटी स्कीम, सबसे पहली बात तो भाई ध्यान दीजिएगा, स्कूटी स्कीम जो है आपकी ये चालू कब से हुई है, 23 अगस्त से, है ना, 23 अगस्त 2023 से जो है ये शुरू हुई है। अब स्कूटी भाई लड़कों को तो स्कूटी देंगे नहीं, लड़कियों को ही देंगे। अब किन लड़कियों को देंगे, जो हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल में जो अपने फर्स्ट पोजीशन पे आती है, भाई गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम, है ना, हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल में जो फर्स्ट पोजीशन पे आती है, उन गर्ल्स को क्या दिया जाएगा, स्कूटी बांटी जाएगी। और ये स्टार्ट कहां से किया जा रहा है आपका, तो ध्यान दीजिएगा, हाँ, ये स्टार्ट किया जा रहा है आपका शेड्यूल से, कहां से स्टार्ट किया जा रहा है बेटा, शेड्यूल से जो है ये स्कूटी योजना की शुरुआत की जा रही है, चलेगा। और इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं भाई, ठीक है 23 अगस्त 2023 से ये स्टार्ट हुई है। शिवराज सिंह चौहान प्रोवाइडेड फंड टू 7790 स्टूडेंट्स हु गॉट फर्स्ट पोजीशन इन गवर्नमेंट हाई स्कूल एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स इन शेड्यूल इन द स्टेट लेवल स्कूटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम 2022-23 एंड टू बाय स्कूटीज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, चीफ मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान हैज टेकन द इनिशिएटिव ऑफ वॉलंटरी हॉलिडे इन मध्य प्रदेश ऑन द मार्टिरम डे ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निम्न में से किसके बलिदान दिवस पर मध्य प्रदेश में ऐच्छिक अवकाश की पहल की है कि भाई आप इस पर जो है ऐच्छिक अवकाश ले सकते हैं, किसके बलिदान दिवस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अहल्यावती था एक अहलावती है, रानी अवंतीबाई या इनमें से कोई नहीं, पूछा जा रहा है आपसे, बताइए भाई। तो ध्यान दीजिएगा भाई, जो है हमारे यहाँ की शासिका ही आप कह सकते हैं ना, हमारे की शासिका रही है एज वेल एज स्वतंत्रता में इनका हाथ रहा है हमारे यहाँ पे, तो रानी अवंतीबाई जी, है ना, रानी अवंतीबाई जी के जो बलिदान दिवस पर है ऐच्छिक अवकाश की पहल की है किन्होंने भाई, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। थोड़ा सा और हम इनके बारे में देख लेते हैं कि भाई क्या बोल रहा है, फॉरवर्ड चीफ मिनिस्टर उमा भारती भी भाई इसके इस ओकेशन पे जो है प्रेजेंट रही है। रानी अवंतीबाई गेव हर लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड फॉर द नेशन अलोंग विद द वॉलंटरी हॉलिडे इन मध्य प्रदेश। मैंने आपको रानी अवंतीबाई की जो है पूरी कहानी बता रखी है, गढ़मंडला वाली, है ना, सारी चीजें मैंने बता रखी, कैसे इन्होंने अपना बलिदान दिया था, कैसे सब कुछ हुआ था, वो सारी की सारी जो है मैंने आपको बता रखी, जबरदस्ती किस तरीके से जो है अकबर इनसे लड़ा था, सारी की सारी चीजें, चलेगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा, इन विच मेडिकल कॉलेज हैज द चीफ मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड 2000 बेड हॉस्पिटल, भाई कहां पर जो है 2000 बेड के अस्पताल का जो है लोकार्पण किया है, कहां पर किया है, मेडिकल कॉलेज अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज जो
कि विदिशा में है, अरबिंदो मेडिकल कॉलेज जो कि इंदौर में है, या गांधी मेडिकल कॉलेज जो कि भोपाल में है, या इंडेक्स मेडिकल कॉलेज जो कि इंदौर में है। चार ऑप्शंस आपके पास है, चारों के चारों मेडिकल कॉलेज है और यहाँ पर जो है 2000 बिस्तर के जो है अस्पताल का जो है लोकार्पण किया गया है। आपको बताना है कौन सी वाली जगह है ये बताइएगा जल्दी जल्दी भाई। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो किया गया है आपका, ये किया गया है गांधी मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। कहाँ किया गया है बेटा, ये किया गया है आपका गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में। जी हाँ, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में जो है 2000 बिस्तर के अस्पताल का जो है हाल ही में लोकार्पण किया गया। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं पे किसी बुक में किसी भी जगह पर ये बहुत रेयरली ही मिलेंगे क्योंकि ये आपका डेली का एमपी का करंट अफेयर है, राइट। चलेगा तो फैसिलिटीज ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश 1000 पाउंडर बॉम्ब विल बी बिल्ट, मध्य प्रदेश के किस शहर में 1000 पाउंडर बॉम्ब का जो है निर्माण किया जाएगा, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल या बालाघाट। अच्छा 1000 पाउंडर पता है आपको क्या है? पहली बात तो जो भारतीय सेना होती है ना, भारतीय वायुसेना का ये जो है सबसे ताकतवर हथियार है, ये समझ लीजिए आप कि भाई ये 1000 पाउंडर बॉम्ब जो है ये भारतीय वायुसेना का जो है ना, हमारी जो एयरफोर्स है, एयरफोर्स का जो है सबसे ताकतवर हथियार है, ये समझ लीजिए आप, पाउंडर बॉम्ब सबसे ताकतवर हथियार है। और अब जो ये बनाया जाने वाला है, ये बनाया जाने वाला है बेटा जबलपुर में भी बनाया जाने वाला है अब ये, है ना। इससे पहले केवल एक ही जगह बनाया जा इससे पहले केवल एक ही जगह बनाया जाता है वो कौन सा है भैया? मुरादनगर। इंडिया में जो है ये केवल एक ही जगह बनाया जाता है, वो कौन सी जगह है भैया? मुरादनगर में बनाया जाता है। लेकिन अब ये हमारे एमपी के जबलपुर में भी बनाया जाने वाला है जो कि वायुसेना का सबसे ताकतवर हथियार है, कौन सा? 1000 पाउंडर बॉम्ब, राइट। चलेगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर द कास्टिंग ऑफ द वन ऑफ द कंट्रीज मोस्ट पावरफुल बॉम्ब्स द 1000 पाउंडर बॉम्ब आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन द ग्रे आयरन फाउंड्री GIF टू व्हिच इज लोकेटेड इन जबलपुर मध्य प्रदेश अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which city has been declared best smart city under the smart city mission? भाई किस सिटी को जो है बेस्ट स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है, आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न, और प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका अर्थ भाई जो इसका उत्तर है वो आपको ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ा है, है ना। आपको ज्यादा सोचना क्यों नहीं पड़ा है? क्योंकि इसके बारे में हम चार बार पहले भी पढ़ चुके हैं इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के। देखिए क्वेश्चन का आंसर सबको पता होता है, बट वो आपसे किस तरीके से पूछ रहा है ये मायने रखता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि बेस्ट स्मार्ट सिटी कौन बना? इंदौर। ये हाल फिलहाल में जो है पूरे एमपी को 14 अवार्ड्स मिले हैं, राइट। 14 अवार्ड्स मिले हैं जिसमें से 5 से 6 तो केवल इंदौर को मिले हैं, है ना। फिर आपको पता हुआ 3 भोपाल को मिले, इस तरीके से मिले, जबलपुर को मिले हैं कुछ। तो स्मार्ट सिटी किसको माना गया है? इंदौर को बेस्ट स्मार्ट सिटी बनाया गया भाई, है भी, है ना, अवार्ड खरीदे नहीं गए हैं। चलेगा देखिएगा थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। इंदौर विच हैज बीन द क्लीनेस्ट सिटी फॉर द पास्ट 6 years इन अ रो गॉट अनदर फीदर ऑन इट्स कैप। फीदर ऑन इट्स कैप ये एक फ्रेजल वर्ब है। टू बेग द बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड ऑफ 2022 फॉर एग्जाम्पली परफॉर्मेंस अमोंग द 100 स्मार्ट सिटीज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिसेंटली अप्रूव्ड द क्रिएशन फॉर अ न्यू सब डिविजन अमला। कि भाई मध्य प्रदेश के किस जिले में नवी अनुविभाग आमला के सृजन की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा हाल ही में दी गई है? अलीराजपुर, मंदसौर, ग्वालियर या बैतूल? मंत्रिपरिषद ने हाल ही में जो है इसकी मंजूरी दी है, कौन सी जगह पर जो है ये दी गई है? देखिए ये क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, ये क्वेश्चन आपको कब मिलते हैं? जब आप बहुत ज्यादा पेपर को डीपली पढ़ते हैं, है ना। जब आप किसी एमपी का पेपर उठाएंगे करंट अफेयर पढ़ने के लिए, है ना, न्यूज़पेपर उठाएंगे, उसको जब आप बहुत डीपली पढ़ेंगे तब जाके आपको ऐसी न्यूज मिलती है ना। वरना तो यही मर्डर, ये वो, चोरी चकारी यही मिलता है। तो आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ये जो किया जाने वाला है बेटा, ये किया जाने वाला है बैतूल में। कहां पर भाई? बैतूल में जो है ये किया जाने वाला है। चलेगा थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में हम लोग और ले लेते हैं। क्या कह रहा है? द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ अ न्यू सब डिविजनल अमला इन डिस्ट्रिक्ट बैतूल। द कैबिनेट हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द ऑनरेरियम ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत मेंबर्स एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत मेंबर्स। अरे ये क्या हुआ? डिस्ट्रिक्ट पंचायत मेंबर्स एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ओके 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 ठीक है चलेगा। When was the मध्य प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन established? भाई मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगाइएगा, पूछा जा सकता है भाई, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए, है ना। फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई? मध्य प्रदेश के फिल्म विकास निगम की जो है ये बात हो रही है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, है ना, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट, है ना, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की जो है शुरुआत कब की गई है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो की
डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जो शुरुआत की गई है ये की गई थी भाई 1975 में, और उसी के कुछ सालों बाद, जी हाँ उसी के कुछ सालों बाद जो है ये किया गया। तो 1972 तो हमारे से हट ही जाता है, क्यों? क्योंकि नेशनल हुई इसके बाद तो भाई मध्य प्रदेश में होगा, पहले सेंट्रल लेवल पे होता है फिर स्टेट लेवल पे होता है। तो ध्यान दीजिएगा ये जो किया गया है आपका, ये किया गया है 1981 में। कब किया गया बेटा, कब की गई इसकी स्थापना, विकास निगम की स्थापना 1981 में की गई है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। और इसका मुख्यालय कहाँ है ये भी ध्यान देना, इसका जो मुख्यालय है वो आपका मुंबई में है। चलिएगा where is the Ashbagh Stadium located in मध्य प्रदेश, भाई मध्य प्रदेश में Ashbagh Stadium जो है कहाँ स्थित है, इंदौर, भोपाल, जबलपुर या सतना। देखिए Ashbagh को सुनते ही जो है आपको समझ में आ जाता होगा कि मैम Ashbagh जो है ये कहीं ना कहीं आपको जो उर्दू का वर्ड लग रहा है ना, और उर्दू का वर्ड वहीं से लिया जाएगा जहां पर नवाबी रही हो, जहां पर नवाब लोगों ने राज किया हो, है ना। और नवाब लोगों का जो है राज कहाँ पर रहा है इन चारों सिटीज में से, तो आप जानते हैं मैम भोपाल। Ashbagh जो है लोकेट किया गया ये कहाँ पर है भैया, भोपाल में। एक यदि मैं आपसे कहूँ तो एक स्टेडियम है Ashbagh Stadium, इसमें क्या है भाई एस्ट्रोटर्फ बनाया गया है ना। एस्ट्रोटर्फ के बारे में भी हम बात कर चुके हैं, क्या होता है एस्ट्रोटर्फ आप जानते हैं भाई, नकली घास से बनाया गया मैदान स्पेशली किसके लिए, हॉकी के लिए जो बनाया जाता है उसे कहा जाता है एस्ट्रोटर्फ। ये कब बनाया गया था तो ये भी मैं आपको बता दूं, 1931 में जो है इसको बनाया गया था। कब बनाया गया था भाई, 1931 में जो है इसको बनाया गया था, फील्ड हॉकी स्टेडियम है ये, ऐसा कह सकते हैं, है ना। चलेगा आपको ये भी पता है, ये भी हमने बात की हुई कि भोपाल में भी शायद 14 नए एस्ट्रोटर्फ बन रहे। विच प्लेस इन मध्य प्रदेश इज द फेयर ऑफ जोगेश्वरी देवी ऑर्गेनाइज, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जो है जोगेश्वरी देवी का मेला आयोजित होता है, चंदेरी, मांडेर, पोरसा या घोगरा, बताइए भाई कहां पर होता है जोगेश्वरी देवी का मेला, वहीं पर लगता है भाई जहां पर जोगेश्वरी देवी का जो है मंदिर है। अच्छा यदि आपसे पूछ लिया जाए कि एमपी में सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगते हैं, सबसे ज्यादा मेले कहाँ पर लगते हैं, सबसे ज्यादा मेले कहाँ पर लगते हैं एमपी में, तो आप क्या कहेंगे मैम, सबसे ज्यादा मेले जो लगते हैं वो लगते हैं आपके उज्जैन में। ये बात हमने पहले भी की, सबसे ज्यादा फेयर्स जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, सबसे ज्यादा फेयर्स जो होते हैं वो उज्जैन में होते हैं, लगभग 226 या 227 लगते हैं, हाँ 227 मेले जो है उज्जैन में लगते हैं, सबसे ज्यादा मेले उज्जैन में लगते हैं। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं, है ना, सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं, सबसे कम मेले जो है कहाँ लगते हैं, तो सबसे कम मेले लगते हैं होशंगाबाद में। कहाँ लगते हैं बेटा, होशंगाबाद में, जो कि अभी नर्मदापुरम है हमारा, होशंगाबाद में लगते हैं, करीब 13 मेले लगते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो भाई जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है भैया, चंदेरी में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर आयोजित किया जाता है, चंदेरी में, चैत्र मास में, है ना, चंदेरी में चैत्र मास में जो है ये किया जाता है, अशोकनगर जिसे आप कहते हैं चंदेरी को, ठीक है। चलेगा फेमस ध्रुपद सिंगर कुमार गंधर्व बिलोंग टू विच प्लेस, भाई कुमार गंधर्व का स्थान, कुमार गंधर्व जो है किस स्थान से संबंधित है, खंडवा, देवास, मेहर या ग्वालियर। भाई कुमार गंधर्व जो है संगीत के लिए जाने जाते थे, आप जानते हैं वैसे तो ये कहां से थे, साउथ इंडिया से थे, बट ये जो है आकर इधर बस गए थे। मैंने आपको इनके बारे में पहले भी बताया, इनको एक बीमारी थी, है ना, तो वहां की जो है ये कहिए कि वहां का जो क्लाइमेट है वो उनको सूट नहीं हो रहा था, तो इनको इधर भेज दिया गया था। तो इनकी जो है डेथ वो जो है यही हुई थी, और वो कहाँ हुई थी, देवास में हुई थी। कहाँ हुई थी बेटा, देवास में हुई थी। तो इनका सीधा सीधा संबंध किस स्थान से है, तो आप कह देंगे मैम देवास से है इनका संबंध, ठीक है। प्रिमिटिव ट्राइब कोरकू इज मेनली फाउंड इन विच पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, आदिम जाति कोरकू मध्य प्रदेश के किस भाग में मुख्यतः पाई जाती है, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्टर्न या नॉर्थ वेस्ट, दक्षिण, उत्तर पूर्वी, पूर्वी या उत्तर पश्चिमी, चार ऑप्शन आपके सामने है, कहां पर ज्यादा पाई जाती है बता दीजिए फटाक से। तो भाई कोरकू जो जनजाति है ना, हमारे एमपी का जो, ध्यान दीजिएगा हमारे एमपी का जो ये जो नीचे वाला एरिया है यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है कोरकू जाति पाई जाती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैम ये जो एरिया है वो कौन सा, दक्षिण एरिया है, तो हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा इसमें बेटा, साउथ, है ना। कौन से पार्ट में जो है प्रिमिटिवली पाई जाती है, तो आप बोलेंगे मैम साउथ जो एरिया है हमारे यहाँ का वहां पर ज्यादा पाई जाती है कोरकू जनजाति। चलेगा What is the number of police division in मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में पुलिस संभागों की संख्या कितनी है, है ना, संभाग तो आप जानते हैं, तो भी पुलिस संभाग की संख्या कितनी है। क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको घुमा फिरा के दे दिया, क्वेश्चन को आपको कैसे दे दिया भैया, घुमा फिरा के दे दिया आपको थोड़ा सा क्वेश्चन। तो आपसे पूछा जा रहा है पुलिस संभागों की संख्या कितनी है, तो वही बहुत सिंपल है कि मैं पुलिस संभागों की संख्या भी कितनी होगी, 10 ही होगी भाई, है ना, पुलिस संभागों की संख्या भी कितनी होगी, 10 ही होगी, राइट। चलेगा Where has journalism university been established in मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना
विद्यालय की कहां स्थापना की गई है? भाई पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना हाल ही में की गई है, और ध्यान दीजिएगा, आपने एक यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा जिसे आप कहते हैं माखनलाल चतुर्वेदी, याद है? तो वहीं पे उसी को जो है पत्रकारिता यूनिवर्सिटी भी जो है जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी भी बनाया गया है, और वो कहां पर है तो आप जानते हैं कि भाई वो है हमारा भोपाल में, है ना? वो है हमारा कहां पर भाई? भोपाल में है। चलेगा, माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में तो आप को हम पहले भी बता चुके हैं कि भाई बहुत ही फेमस हमारे के पत्रकार ये जो रहे हैं, है ना, बहुत सारी जो है इन्होंने पत्रिकाएं निकाली हैं, ठीक है। चलेगा, टू यूनिवर्सिटीज वर एस्टैब्लिश्ड इन मध्य प्रदेश, वन ऑफ व्हिच इज इन भोपाल, द अदर इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट। मध्य प्रदेश में दो विश्वविद्यालय स्थापित हुए जिनमें से एक भोपाल में है, तो आपसे पूछा जा रहा है दूसरा किस जिले में। अभी हाल फिलहाल में जो है दो यूनिवर्सिटीज बनी है, खंडवा, राजगढ़, इंदौर या सतना। एक तो भोपाल में बन गई, हाल फिलहाल में दो बड़ी यूनिवर्सिटीज बनी है, एक तो आपकी कहां बन चुकी है? भोपाल में बन चुकी है। तो दूसरी का पूछा जा रहा है आपसे, बताइए कि भाई दूसरी जो यूनिवर्सिटी है वो कहां पर बनने वाली है। तो आपके दिमाग में आता है कि मैम इंदौर बहुत बड़ा शहर है, यहीं बन रही होगी, खंडवा अच्छा है हमारा, वहां बन रही होगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा हमारे प्यारे मारो प्यारो राजगढ़ में जो है ये बनने वाली है। चलिए तो भैया आप आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। टू यूनिवर्सिटीज वर एस्टैब्लिश्ड इन मध्य प्रदेश, वन ऑफ व्हिच इज इन भोपाल, द अदर इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट। कि भैया दो जो है यूनिवर्सिटीज विश्वविद्यालय जो अभी अभी मध्य प्रदेश में बने हैं, एक जो है वो कहां पर बना है? भोपाल में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरा जो है कौन से जिले में बना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में बना है। आपके ऑप्शन है भैया खंडवा, राजगढ़, इंदौर या सतना। दो बने हैं नए, एक भोपाल में बना है, तो दूसरा कहां पर बना है? तो ध्यान दीजिएगा, सेकंड वाला जो आपका बना है वो बना है आपका सतना में। कहां पर बना है बेटा? सतना में बना हुआ है, है ना। एक जो है भोपाल में बना है, तो दूसरा नया विश्वविद्यालय कहां पर बना है? सतना में बना हुआ है। आपका गूगल होमवर्क है मेरी तरफ से, है ना, आपके लिए गूगल होमवर्क है कि आपको बताना है कि भाई इनके नाम क्या क्या है, है ना। फटाक से जो है नाम आपको कमेंट भी करना है साथ में, चलेगा, वरना नेक्स्ट लेक्चर में अपन तो बताएंगे आपको। 19 क्वेश्चन बोल रहा है, द स्टेट डे ऑफ मध्य प्रदेश इज बीइंग सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे। भाई ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, मध्य प्रदेश का जो है राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1st of July, 1st of November, 15th of March या 31st of June को मनाया जाता है? भैया बताइए कब मनाया जाता है। चलिए देखिए, ये तो क्वेश्चन मैंने आपसे इजी पूछ लिया, लेकिन आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि इस दिन जो हम गाना गाते हैं जिसपे हर जगह डांस होता है, शुभ का दाता सबका साथी, शुभ का संदेश है, है ना, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश, ये जो हमारा मध्य प्रदेश गान है ये लिखा किसने है, है ना। फटाक से ये बात आपको कमेंट करके हमें बतानी है। तो ये है कब भैया, किस दिन हमारा स्टेट डे? हमारा स्टेट डे है 1st of November। चलिएगा, सो इसी के साथ आज का हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, फ्रॉम वेयर इज द मध्य प्रदेश मैसेज पब्लिश्ड बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट पब्लिश्ड। भाई आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित मध्य प्रदेश संदेश का प्रकाशन कहां से होता है, है ना। ये भाई पत्रिका है, आप ऐसा समझ लीजिए, क्या है जिसका नाम मध्य प्रदेश संदेश, क्या है इसका नाम मध्य प्रदेश संदेश। तो इसका जो है ये पब्लिश कहां से होती है पूछा जा रहा है आपसे, रतलाम, ग्वालियर, इंदौर या भोपाल। रतलाम, ग्वालियर, इंदौर या भोपाल, ठीक है। तो भाई ध्यान दीजिएगा, इसको जो शुरू किया, इसको जो पब्लिश किया जाता है वो कहां से किया जाता है? ग्वालियर से किया जाता है, है ना। 1905 समथिंग ये चालू हुआ था। कब चालू हुआ था भैया? 1905 में जो है ये चालू हुआ था, और जब भी 1905 में चालू हुआ था तो इसका जो नाम था वो था मध्य भारत संदेश। क्या नाम था इसका उस समय पे? मध्य भारत संदेश, क्योंकि उस टाइम पे तो भाई मध्य प्रदेश बना नहीं था ना। क्या नाम था इसका? मध्य भारत संदेश जो है इसका नाम था उस समय पे, आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश बना नहीं था। 1905 में इसका नाम मध्य भारत संदेश था, तब भी ये ग्वालियर से प्रकाशित हो रहा था। अब जो है इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? मध्य प्रदेश संदेश कर दिया गया। ये कहां से प्रकाशित होता है, इसका प्रकाशन कहां से होता है भैया? ग्वालियर से जो है इसका प्रकाशन होता है। चलिए, सो आज के हमारे 20 क्वेश्चंस इसी के साथ जो है यहाँ पर खत्म होते हैं, और वापस से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि आपको सेशन पसंद आया तो फटाक से जो है सेशन को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो कि भाई एमपीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, और एमपी के करंट अफेयर जिनको मिल नहीं पा रहा है तो एमपी के करंट अफेयर को अच्छे अच्छे से पढ़ने के लिए फटाक से जो है डेली क्लासेस जुड़ जाइए। डेली क्लासेस आपके लिए चलती है यहाँ पर, और जो है साथ में यदि कोई डाउट है तो कमेंट भी कीजिएगा। यदि आपको इन क्वेश्चंस की जो है पीडीएफ चाहिए तो फटाक से सिविल पांडा का जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वापस से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।